अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में बन रहा है शादी वाला कोरमा। ये देखिए बहुत शानदार बनता है, बिल्कुल दानेदार जैसे शादियों में मिलता है आप लोगों को। और इसकी रेसिपी आपको अगर पूरी देखनी है तो आप वीडियो लास्ट तक देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोरमा बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने प्याज ले ली है, दो बड़ी प्याज ली है जिन्हें मैंने कट कर लिया है अच्छे से। आधा किलो मैंने चिकन ले लिया है जिसे अच्छे से वॉश कर। 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर, नमक आप अपने जायके के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, 1 कप भर के मैंने दही ली है जिसे हम कोरमे में ऐड करेंगे। आइए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करते हैं और उसे हमें आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखना है। सबसे पहले हम ऐड कर रहे हैं इसमें सारी दही, ऐड करेंगे नमक, इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए चिकन रेडी हो गया, अब हम इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। सॉरी गाइस, मैं आपको दिखाना भूल गई थी, ये मैंने 2 तेज़पत्ते लिए हैं और ये मैंने 8 से 10 काजू लिए हैं और ये मैंने 1 टेबल स्पून नारियल पाउडर लिया है। नारियल का और काजू का हमें अच्छे से पेस्ट बना लेना है जो हम कोरमे में ऐड करेंगे, ठीक है। एक कुकर ले लिया है मैंने जिसमें मैंने ऑयल डाल दिया है, ऑयल को गर्म करेंगे अच्छे से, फिर हम अपनी जो प्याज है उसे फ्राई करके निकाल लेंगे। ऐड करेंगे हम प्याज, प्याज को हमें डार्क ब्राउन करके निकाल लेना है। देखिए प्याज हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, प्याज इससे ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे हम, वरना हमारे कोरमे का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो अब हम इसे अलग कर लेंगे। ब्यूटीफुल, देखिए प्याज रेडी हो गई है। देखिए जिस तेल में हमने प्याज फ्राई करी है उसी तेल में अब हम ये तेज़पत्ता डालेंगे। ये इसमें ऐड करेंगे हम मैरिनेटेड चिकन, चिकन को अब बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे थोड़ा। अब हम इसमें अपने सारे मसाले ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे हम लाल मिर्च पाउडर और इसी में मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी, इसमें जाएगा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, सभी मसालों को अच्छे से भूनेंगे। ये बिल्कुल शादियों वाला कोरमा बन के हमारा तैयार होगा फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इस मसाले को हमें 4 से 5 मिनट के लिए भूनना है अच्छे से। ये देखिए मसाला बहुत अच्छे से भून गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम काजू और नारियल का पेस्ट जो मैंने बनाया था अब इसके अच्छे से भुनाई करेंगे इस पेस्ट के साथ। ये देखिए ये वो प्याज है जो मैंने फ्राई करी थी, मैंने इसे हल्का सा क्रश कर लिया है, अब हम इसे ऐड करेंगे, अच्छे से भुनाई करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे होममेड गरम मसाला पाउडर, देखिए कितना अच्छा हमारा कोरमा बन रहा है, बहुत शानदार बनेगा, एकदम शादियों वाला कोरमा। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि कोरमा जो है वो थोड़ा थिक अच्छा लगता है। अब इसे ढककर 5 मिनट के लिए पका लेंगे अच्छे से। देखिए अब हम इसमें ऐड करेंगे केवड़ा वाटर, 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे और इसे दम पर रख देंगे। रेडी।